ऑर्थोपेडिक विभाग और पीएमआर विभाग, इनके तहत अभी हमारे को कुछ नई मशीनें प्राप्त हुई है, जिसमें फिजियोथेरेपी विभाग में एक डाईथर्मी मशीन है, उसके अलावा एक ट्रैक्सर मशीन है और एक अल्ट्रासाउंड मशीन है। इनसे मरीजों को जिनको दर्द होता है उनको सेव करने में काफ़ी सुविधा रहेगी, और साथ में जिनको कोई गर्दन की तकलीफ या पीठ की तकलीफ है उनके लिए ट्रैक्सर मशीन है, जिसमें काफ़ी तरह से एडजस्टमेंट करके और उसको बहुत ही उपयोगी बनाई जा सकती है। और वो मशीनें भी तीन तीन चार चार मशीन आई हैं, जिसमें कि एक साथ में तीन चार मशीनों को मरीजों को उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो एक लंबे समय से हमारे फिजियोथेरेपी विभाग में मशीनों की जो कमी चल रही थी, और जिसकी वजह से कई बार ये खबरों में भी आया है कि मरीजों को पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है विशेषज्ञ होने के बावजूद भी, तो वो अब कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा हमारा जो कृत्रिम अंग केंद्र है उसको महावीर विकलांग समिति द्वारा चलाया जा रहा था, वो समिति ने अपना केंद्र मथुरादास माथुर अस्पताल में यहाँ से स्थानांतरित कर दिया, तो उसके बाद से हमारे कर्मचारी थे लेकिन हमारे पास सामान नहीं होने से हम उसको चला नहीं पा रहे थे। तो एक दानदाता के माध्यम से हमें सामान मिला, और हमारे अस्पताल की टीम जिसमें डॉक्टर्स और टेक्निकल स्टाफ सभी ने पूरे उत्साह के साथ वापस इस कार्य को प्रारंभ कर दिया है। तो इसलिए कृत्रिम अंग केंद्र हमारा अब नियमित रूप से चलेगा, आगे चाहे दानदाता के माध्यम से चले या अस्पताल अपने माध्यम से चलाए। इसके अलावा हमारे ऑपरेशन थिएटर में कुछ नई मशीनें आई हैं, जिसमें एक तो एनेस्थीसिया की मशीन आई है जो बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है, जिसमें सब तरह का एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, पूरी तरह उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, और उसमें किसी भी तरह के एनेस्थीसिया देने में कोई तकनीकी कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं रहती। उसके अलावा दो हेलमेट भी हमको मिले हैं, जो सर्जरी के दौरान जो लंबी सर्जरी भी होती है उसमें हमारे डॉक्टर जो पहन के काम करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं, क्योंकि एक लंबी सर्जरी के दौरान अगर कोई बात भी करता है तो उसकी वजह से भी मरीज को इन्फेक्शन का खतरा रहता है, लेकिन इन हेलमेट को पहनने के बाद में इस तरह की कोई संभावना नहीं रहेगी। और इसके अलावा